हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी सर, जी, नमस्ते नमस्ते सर। जी। हाँ मैं इरेगुलर पीरियड्स वाली जी, हाँ पेशेंट जी, हूँ हाँ जी, आपकी। हाँ जी। सर, मैं ना आपके जो 2 टाइम्स मील्स थे वो मैं कर रही हूँ, बट सर ना मुझे ना बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, क्या कर रहे हो आप? कमजोरी। जो 2 टाइम आपने खाना बताया था 10/6 का, हाँ, और पर वॉकिंग ना डेट भी कर रहे हो? वो के अंदर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे अंदर मुझे कम जैसे को काम करते थक जाए कमजोरी सी लगती है, तो मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ रेस्ट। खाना कितना खा रहे हो भाई? खाना की डाइट मेरी वही है जितनी मेरी थी, वो 4-5 रोटी नहीं, पूरे दिन में एक बार ही है? कितनी, एक बारी में। 3-4 हो रही है? तीन हाँ जी, चार रोटी हो जाती है? हाँ जी खा लेती हूँ मैं, चार हाँ, तो फिर तो कोई रोटी तो दिक्कत नहीं है। मैं। ये तो कमजोरी तो चलती रहेगी। आप वॉक एंड रेस्ट पूरा करो और कमजोरी तो धीरे धीरे करके कवर होगी। अभी आपको थोड़ी दिन हुआ ना इसमें। बाकी आप किसी दिन नहीं चाहो कि जैसे किसी दिन 3 बार ही खाना चाहो, 2 बार, दो एक दिन जैसे आपने खा लिया 2 बार, और आपको हाँ अगर जी, लगता है कमजोरी उस वजह से हो रही है तो 3 बार भी खा के देख लो, नहीं एक सर बार। मुझे ना, मैं बताऊँ मुझे भूख तो लगती नहीं। जैसे अब मैंने आज मैंने बल्कि 9:30 बजे खाना खा लिया था, और उसके बाद मेरे को अब तक कोई भूख नहीं है। हाँ, तो मत खाओ फिर। उसमें कमजोरी जो लग रही है ना, उसको आप मतलब थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करते रहोगे, वॉक एंड रेस्ट करोगे तो ठीक लगेगा आपको। आप सुस्ती दिखाओगे, अगर लेटे रहोगे तो फिर दिक्कत करेगा वो। तो आप थोड़ा सा हाँ सर, मोबाइल रहो, हाँ जी, आप थोड़ा मोबाइल रहो, घंटे के अंदर 5 मिनट ही तो चलना है सिर्फ। पर सर एक और मेरे ना, मतलब इन लॉज में एक दवाई है, एक आयुर्वेदिक दवाई है, हमदर्द का जो सिंकारा कुछ नाम है उसका, कंसीव करने के लिए दवाई है। मैं अभी उसको भी 1-2 दिन से उसके लिए पीना चालू करा है मैंने उसको। देखो, जितनी भी दवाइयाँ होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपके एसिड लेवल को बढ़ाकर काम करने की कोशिश करती हैं। एक बार ही ऐसी किसी लेडी ने बोला था कि उसको कोई मेडिसिन है जो कि बहुत सक्सेसफुल होती है इसमें कंसीव करने में, तो शी सेड कि वो ले लूँ नहीं ले लूँ। तो उस समय मैंने नेट के ऊपर देखा था, उसमें था कि मतलब हो जाता है तो हो जाता है उसमें 2-4 महीने 6 महीने में, पर फिर उसके बाद वो जो मेडिसिन होती है वो कंसीव करने में मतलब रोकती हुई है, और दूसरी चीज़ उसकी वजह से बाद में लेटर स्टेज में कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो मेरा समझ तो यही कहती है कि जो बाकी होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, कुछ भी हो, ये सारी दवाइयाँ एक ही प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन तो यही होगा कि मत लो, क्योंकि आप जैसे अभी वैसे भी बोल रहे हो एनर्जी नहीं है, तो ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को भी खराब करेंगी, और आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर कंसीव करोगे तो बच्चे का क्या हाल होगा। तो मेरा सजेशन तो ये है, अभी 4-6 महीने तो कुछ मत करो। जहाँ इतना टाइम गुजर गया, वहाँ पर 6 महीने में कौन सी आफत आ रही है? जैसे मैं इसके लिए फोन किया था, मैंने कहा इसके रीजन भी हो रहा है कि मैं 2 दिन से ये एक उसने जिसने सजेस्ट किया है ये दवाई मुझे, उसने दो मतलब दो दो चीजें पीने को कहा है, यही चीजों। अब मैंने उसका वो पढ़ा था, उसमें यही है मेन, तो कि जैसे भूख ना लगना, कमजोरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, ये सब चीज है उसकी नहीं, वजह आप से। लड़कियां तो एक एक दो दो रोटी खाती हैं, आप आराम से 3-4-5 खा रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है? आपको तो भूख लग रही है। हाँ, भूख तो सर मुझे सही लगती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे को और तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो मेरे को बीच बीच में जो वीकनेस लगती है, मैं तो मतलब जिस हिसाब से मैं खा रही हूँ उस हिसाब से मुझे एनर्जी नहीं मिलती शरीर में। वॉक एंड रेस्ट करते रहो और बाकी चीजें छोड़ दो, धीरे धीरे करके आपका एनर्जी लेवल एकदम से बढ़िया हो जाएगा, शूट अप करेगा। इससे ज्यादा एनर्जी आप में हो ही नहीं सकती है। अब ये सोच लो कि अगर आपका स्टेमिना है ना, अगर आप भाग के कभी चेक करते हो, कभी भागना जॉगिंग वगैरह करी है आपने, तो इसमें तो आप अगर वॉक एंड रेस्ट करते रहते हो, आपने 10 साल तक कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई खेले नहीं, मतलब भागना नहीं गए, तो इसके बाद आप जब भी जाओगे तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा मिलेगा आपको। मतलब ये आपकी सारी एक्सरसाइज से बढ़िया है। नहीं सर, वही इसलिए ही मैंने कहा फोन करके एक बार पूछ लेती हूँ मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना मत कर दवाई का दो, एक कि। दो महीने तो मत लो कुछ भी, मतलब सिर्फ खाने पर और वॉक एंड रेस्ट पर ध्यान दो। 15 बार ही 5-5 मिनट चलना है, वो भी ज्यादा नहीं है, वो भी घंटे घंटे में चलना है। दवाइयों के हाँ सहारे तो जी, अगर कोई ठीक होता तो सारी दुनिया ही ठीक हो चुकी होती। 100 में से भी नहीं, हजारों में से, लाखों में से एक आधा आदमी को कोई फर्क पड़ता दवाइयों से? वो भी पड़ता दवाइयों की वजह से नहीं, किसी और चीज से पड़ता है कि आदमी कॉन्शियस हो गया, थोड़ा बहुत चलने फिरने लगता है, कुछ करता है, तो उससे फर्क पड़ जाता है। अदरवाइज तो नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है दवाइयों के। बाकी आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से तो ना लो तो अच्छा है।
नहीं सर, मैं ले भी नहीं रही थी, बट वो ये इन लोग कहने लगे तो फिर इस वजह से थोड़ा सा तो रोज रोज थोड़ी देखेंगे ले रहे हो नहीं ले रहे, आपने 2 बार ले हाँ लिया डब्बे। ये तो आप कह रहे, सही कह रहे हो, उसी वजह से पूछ रही थी पर्सनली कि क्या करूँ क्या नहीं करना, इसलिए अब क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा वीकनेस लगा तो इस वजह से मैं पूछी मेरे को वीकनेस दिया। और सर जैसे मेरे को 6 गिलास पानी पीना है तो मैं कभी आप कभी चार 6 भी पांच ले लो, ग्लास कभी 4 भी ले लो, मतलब हाँ जैसे जी 2 गिलास वही हो रहा है, मैंने लेना। जैसे कल 4 ग्लास ही पानी पिया, मुझे नहीं मुझे प्यास नहीं लगी कल, मैं तो बिल्कुल 2 ही ग्लास था शायद मेरा, मेरे को नहीं प्यास, तो कम दिक्कत तो नहीं आएगी ना। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्याज ज्यादा लगे तो पानी हफ्ते पीने में के एक बाद, दिन ज्यादा ले लो बस। हफ्ते में 1 दिन ज्यादा बढ़ा दो पानी को। हाँ 12 गिलास ले लो उससे आपकी, जो हफ्ते में एक दिन तो बढ़ाने का लिखा ही हुआ ना मैंने, नहीं नहीं सर आपने मेरे को सिर्फ ये बोल रखा है मैं अभी भेजता हूँ, व्हाट्सएप कि करता हूँ। 8 9 बस 8 9 10 और शाम को 4 5 6 बस यही मैं पानी आपको बोला भेजता हूँ, आपने। मैं भेजता हूँ आपको, मैं लिखा हुआ भेजता हूँ, आप उसको देख लो। ठीक ओके है, सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।